पेपर आउट कराना, परीक्षार्थियों की जगह नकली परीक्षार्थी बिठाना, ये आजकल उत्तर प्रदेश में आम बात हो गई है। दरअसल इसी कड़ी में नोएडा सेक्टर 58 में कोतवाली पुलिस ने राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आउट कराने और परीक्षार्थियों की जगह नकली परीक्षार्थियों को बैठकर पास कराने का ठेका लेने वाले सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं के नोएडा में परीक्षा देने आए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गिरोह के सरगना भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल, 5 पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड, 52,000 रुपए और 2 फर्जी प्रवेश पत्र और व्हाट्सएप चैटिंग का प्रिंट आउट बरामद किया है। बता दें, रणविजय सिंह ने बताया कि सरगना अनिश फिरोजाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देता है, वहीं से वह छात्रों से नौकरी दिलाने की बात कर सौदा करता था। प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के लिए वह 7 से 8 लाख रुपए लेता था। इसके बाद वह संजय के जरिए विकास से संपर्क करता था। विकास ही दूसरे की जगह परीक्षा देता था, जिसके एवरेज में करीब 2 लाख रुपए उसे मिलते थे। विकास ने बताया कि 1 दर्जन से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में वह दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे चुका है। ADCP रणविजय सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर ITBP SSC से लेकर कई तरह की परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करते थे और उनका नेटवर्क यूपी, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान तक फैला हुआ था। इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए। देखिए, SCP-2 और सेक्टर 58 इंस्पेक्टर की टीम को एक सूचना मिली थी कि उनके थाना क्षेत्र में एक एग्जाम सेंटर पे कुछ लोग फर्जी तरीके से एग्जाम दे रहे हैं। इस सूचना को डेवलप करके वहाँ पे हम लोगों ने कल वाली परीक्षा में वहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ की गई और उसमें इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। बेसिकली 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 4 में से एक व्यक्ति वो है जो वहाँ पे एग्जामिनी जो कैंडिडेट था, और उसकी जगह एक बैठने वाला जो व्यक्ति फर्जी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके गया था, वो उसको पकड़ा गया। और उसके साथ जो इस पूरे गैंग में 2-3 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 2 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से 3 फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और 1 आगरा का रहने वाला है। नोएडा से ललित शर्मा की रिपोर्ट।